द्वादश अर्श में धर्म होगा। अब वो धर्म कैसा होता है इसके ऊपर हम कल चर्चा कर चुके हैं, उसकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि ये होगा तो धर्म किस प्रकार का होगा। जैसे धर्म के प्रकार है ना, रेडिएटिंग, पिचिंग, पेनिट्रेटिंग, चाकू से चीर दिया, सुई से चुपा दिया, मरोड़ दिया हो, पीटा गया हो, फाड़ दिया गया हो, अलग अलग प्रकार में धर्म के कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर खत्म, ट्रैवलिंग स्पोर्ट्स, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी दर्द के अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं ब्लीडिंग, तो जैसा कि कल हमने अपनी पीपीटी में पढ़ा और समझा कि ब्लीडिंग अगर वो माइंस की ब्लीडिंग है तो कलर कैसा होगा, थोड़ा ब्लैकिश कलर होगा, डार्क कलर का। क्यों? ताकि अगर वो ब्लड फिशर का हुआ तो कैसा होगा, ब्राइट रेड। अगर वो फिस्टुला का हुआ तो कैसा होगा, मिक्स विद पस, उसका कलर मिक्स विद पस होगा। अगर कैंसर का ब्लडिंग हुई तो किस कलर का होगा, ब्राउनिश टिंच का होगा। मैंने आपको भी बताया था इफ यू टच इट एंड यू हैव अ ब्लड सेक्रेशन अगर आपके अंदर तो ब्राउनिश कलर का टिंच होगा, ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर मल्टीपल सेक्रेशन आ रही है वो कलर को चेंज कर देती है। ब्राइट रेड कलर का होगा जब टच करके ब्लीडिंग छूटे तो रेड होगा, लेकिन अगर नॉर्मली ब्लीडिंग आ रही है तो ब्राइटिश। ये डॉक्टर भानु आयुर्वेद ने क्या बताया, जेली लाइक सब्सटेंस आ रहा है ब्लड के साथ, जेली लाइक तो भी वो कैंसर है, जेली लाइक सब्सटेंस भी कैंसर है, ब्राउनिश कलर भी कैंसर है, ब्राइट रेड है विषय है, मिक्स विद पस है तो फिस्टुला है, और अगर वो डार्क कलर का है तो वायरस हो गया ब्लीडिंग का फैसला। क्लियर? कोलैप्स, कोलैप्स का कलर क्या होता है, रेक्टल कोलैप्स का या नॉर्मल कोलैप्स का कलर क्या? अगर वो रेक्टल कोलैप्स है तो पिंकिश कलर का होगा, पिंक। पिक्चर दिखाई थी इस पिंक का शार्प पैटर्न किया था, उसकी फोटो में दिखाई दे रहे बिल्कुल ब्राइट पिंक कलर का है। लेकिन अगर वो पाइल्ड हुआ तो वो पिंक नहीं होगा, वो ब्लूइश टिंच का होगा, ब्लैकिश नहीं होगा, ब्लूइश टिंच, उसमें ब्लूइश टिंच होगा, रेडिश नहीं होगा, ब्लूइश टिंच का होगा कोलैप्स। ठीक सर? क्लियर? यानी बाइल मास कोलैप्स होके लटक जावे, उसके अंदर अगर नीली नीली खारियां दिख रही हो तो वो बवासीर है। क्लियर? लेकिन अगर प्लेन पिंक है, नीली खारियां नहीं है तो वो म्यूकोसल कोलैप्स, और अगर वो गुदा मार्ग से बाहर आ रहा है सर्कमफरेंशियल गोल गोल की तरह तो वो कैसा है, एग्जाम्पल एक स्लाइड आगे लेके जाएंगे जरा, हम रेक्टल कोलैप्स लेके आएंगे, आगे लेके जाइए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलते जाए, चलते जाए, आगे चले, देखो पेडेंकुलेटेड कॉलम किस कलर का होगा, चेरी कलर का, किस कलर का, चेरी। ये मान ये भी गुदा मान समान पा रहा है, इसका कलर कैसा है, चेरी, ना ही काला है ना ही पीला। अगर चेरी कलर की कोई चीज बाहर आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, जन्मजात अर्श, पेडेंकुलेटेड कॉलम या रेक्टल कॉलम। ऐसा बच्चों में आता है, ठीक है, जिनके अंदर जन्मजात अर्श होते हैं, जन्मजात अर्श के लक्षण हमने पिछली क्लास में पढ़े। नेक्स्ट स्लाइड सर, पॉलिप के केस में भी आपको लगा था आपकी जो है ना, देखो ना अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो एक बच्चे को मैंने शाम को बांध के तो दिखाई बांध के करते ये उसका मेथड अलग, उसमें ट्रांसफिक्सेशन नहीं था, उसमें सप्लाई के ना किस कलर का, पिंकिश कलर का रेक्टल कोलैप्स,
partial prolapse affect either a part or circumference of anal outlet. The prolapse process is composed of longitudinal fold from center to periphery. Yani center se leke periphery tak circumferential gol honge. Isme bhi gol. Lekin actually ye rectal prolapse nahi, ye vaginal prolapse hai. Wo rectal prolapse comparative study. ये वजन कोलैप्स है, वो रेक्टल कोलैप्स है। जब वजन कोलैप्स होता है, जैसे आप कहते हैं सर्विक्स कोलैप्स जब बाहर आ गए, यूट्रस कोलैप्स जब आप कहते हो, वो किस प्रकार का है? इसके अंदर सर्कमफेरेंशियल नहीं है, लेकिन अगर रेक्टम आ रहा है तो सर्कमफेरेंशियल। पब्लिक रेक्टल कोलैप्स कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक अरेंज म्यूकोसल। तीन प्रकार से कोलैप्स होता है, पार्शियल, incomplete and complete. Partial मतलब एक टुकड़ा हो रहा है, incomplete मतलब आधा आ रहा है, complete मतलब पूरा ही आ रहा है। स्लाइड को बैक लाइन जी। अब आते हैं दर्द के ऊपर। दर्द के अलग अलग प्रकार है, फिशर में पेन होता है, ब्लड फैल चुके होता है, रक्त फैल चुके होता है, है? Dry, hard, painful, different shapes, tingling in the surface, different color of fleshy masses, associated with constipation, pain, radiating. बात समझ में आई? क्यों क्या आ गया? दर्द होगा, लेकिन ये radiating pain होगा. ऊपर तक आएगा या पीछे pockets तक जाएगा, जो मैंने first कल ही आपको बताया. इसमें भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द अलग प्रकार का दर्द. इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल पाइल्स या हाइपरट्रोफिक एनल पेपिला। अब एनल पेपिला कैसे होते हैं? स्लाइड आगे लाएंगे जरा, आगे लेते हैं, लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल और इसके पीछे एक और पीछे। अ पाम मास अराइजिंग फ्रॉम अ पेडिकल एट डेंटेड लाइन। ये डेंटेड लाइन के पास अंदर की तरफ से बाहर दिखते हैं, ऐसे लटकते रहते हैं और जब तक आप इनको ठीक नहीं करोगे तब तक पेन में शांति नहीं मिलेगी। ये उसी प्रकार से हमने चर्चा करी, एक मरीज को मलेरिया है और आप उसको 6 महीने भी पीसीएम मिलाओ तो उसका बुखार ठीक होता है, जब तक मलेरिया की स्पेसिफिक ड्रग, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आप नहीं दोगे तब तक उसमें आराम नहीं आएगा। इसके अलावा कोई पाइल्स नहीं दे सकता, एक वैरायटी है पाइल्स की जो पेनफुल है, बाकी इसके अलावा पेन नहीं करता। आचार्य सुषुप्त ने बड़े अच्छे शब्दों में जब इसका वर्णन करा, किसका? आशा। तो उन्होंने क्या कहा? वायु के प्रकोप से, जब वायु प्रकोपित होकर रुद्धवल्ली में संकुचन कर लेती है, उससे जो मास अंकुर उत्पन्न होता है उसको हम आश कहते हैं। यानी इन दिस केस वायु की अपनी प्रधानता है, लेकिन ये पेनफुल कंडीशन है, लेकिन इसमें रक्त इंपॉर्टेंट है। यानी वायल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड ब्लड, लेकिन वायु के बिना ये कार्य संभव नहीं, ठीक है नहीं? अगला आता है साहब पेन के अंदर। अब आते हैं कोई भी ऑप्शन होगा, एनी ऑप्शन इज अ पेन कंडीशन। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बाइल मास नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ दबाव आपका होता है। एचआईवी पॉजिटिव है तो भी गुदामास का दर्द होगा।
पेशेंट को क्रोन डिजीज है तो भी दर्द होगा, डाई वर्टोक्लोसिस है तो भी गुदामार्ग का दर्द होगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि दर्द के बारे में, एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था ना, कहने सारे एसटीडी किसी को एनल वार्ड से सेक्सुअल डिजीज है तो भी गुदामार्ग का दर्द होगा। आखिरी एनल फिस्टुला, एनी टाइप ऑफ एब्सेस, ऑनगोइंग एब्सेस, एग्जिस्टिंग एब्सेस विल कॉज म्यूकस डिस्चार्ज। अब म्यूकस डिस्चार्ज किस प्रकार की फाइल्स में आता है? अगला म्यूकस डिस्चार्ज किस प्रकार की फाइल्स में आता है? एक्जैक्टली कफज अर्श के अंदर म्यूकस डिस्चार्ज आता है, ठीक है नहीं? क्रोनाइटिस एनी गुजली ये किसमें होती है? ये दोनों ही कफज की प्रकार है। एनीमिया हीमोग्लोबिन कब कम होता है? किसमें होती है ज्यादा ब्लीडिंग? किस प्रकार के पर्श में? रक्तज। अच्छा रक्तज अर्श के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वह थ्रोम्बोटिक एजेंट प्लस क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाले ड्रग क्यों चाहिए? आचार्य सुश्रुत में और भारत ने बड़े अच्छे शब्दों में क्या कहा, रक्तपित्तता खून ऊपर से आवे, खून नीचे से आवे या खून कहीं से भी आवे तो क्या है? रक्तपित्तता। रक्त विदूषित है, पित्त प्रकोपित है। रक्त विदूषित है, पित्त प्रकोपित है। रक्त की शुद्धि करनी है और गर्म पित्त को शांत करना है, यानी गर्म चीजें खाते ही तुरंत ब्लीडिंग क्यों होती है? मिर्ची खाते क्यों ब्लीडिंग होती है? क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, ठीक सर? तो ऐसे विषय में क्या ठीक करना है? ब्लड प्यूरिफायर देना और ठंडी चीजें। तो प्रवाल पंचामृत, नाभ के शब, लोध और मुस्ता। प्रवाल पंचामृत चुटकी के फॉर्म में, नाभ के शब, लोध और मुस्ता, ये 3 ग्राम से 5 ग्राम की गंधनी आती है। इसकी पूरी रात सुबह शाम देनी, क्यों? क्यों प्रवाल पंचामृत वो ठंडा होगा, प्रवाल मतलब मोती, वो लिवर को ठंडा करेगा। नाभ के शब जो कार्य करता है वो क्लॉटिंग, ठीक है नहीं? मुस्ता और लोध ये दोनों शुद्धि का कार्य, ब्लड को रोकते भी है और शुद्ध करते हैं। इसीलिए आपको अगर ब्लीडिंग समझनी है तो ये समझना है कि भैया हमारे बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और मान गए कि भैया आयरन की कमी थी, ओके, बी ट्वेल्व की कमी थी, ओके, फोलिक एसिड की कमी थी, ओके, यही 3 कमी है ना मेजर, और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन भी चाहिए ना अच्छी क्वालिटी, यही 4 चीज है जो बनाती है हीमोग्लोबिन, कम रहा है लेकिन निकल जा रहा है। तो क्या ध्यान देना है? लिवर, लिवर खून को जमाएगा तभी ब्लडी बॉडी को ब्लड उठ पाएगा, जिसके लिए आप बीबीसीटी पीपीआईआर कराते हो। और इकलौता ऐसा ड्रग है जिसको देते ही ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हो। मैं खून रोकने की बात नहीं कर रहा, लिवर को पार कर देते हैं। इंजेक्शन सिर्फ 1 रुपए का आता है, इसका नाम विटामिन के। विटामिन के हमारा लिवर जब नहीं बना रहा होता है तभी ब्लीडिंग होती है। अब उसका नेचुरल सोर्स आयरन में कहां है? दूबा, हाँ, घास में विटामिन के का कार्य होता है। इसके अलावा गेंदे के फूल का रस, बहुत सारे किस्म की ब्लीडिंग सामने गेंदे के फूल रस पिलाते भी है और पत्ती के फॉर्म में लगाते भी, ठीक है नहीं? ये तब की बात कर रहा हूं जब ट्रेनेक्सा एथ्रांसलेट ना काम करे। इन बात आप समझ आ रही, यानी ये तो आपको पता है कि डेफ्लॉन की गोली खाने की मत, जब ये सब कार्य ना करे तब उसकी उसके आगे की बात चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बियॉन्ड दैट, जो गूगल में यूट्यूब पे अवेलेबल है उसकी बात नहीं कर रहा, जो मेडिकल किताबों में लिखा उसकी बात, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक की बुद्धि किसकी डॉक्टर। अगर यूट्यूब से सब इलाज हो सकता हो या फेसबुक से, तो फिर डॉक्टर की जिंदगी तो नहीं है, ऑनलाइन डॉक्टर बैठा दो और दवाइयाँ कर देता है, क्योंकि डॉक्टर अपनी क्लिनिकल सेंस यूज करता है।
abnormality of our habits is also causing fights. Jada motion hona, hard motion hona, badbudar motion hona is a sign ki files body mein files hai. Shareer mein files maanne ke liye ki abnormal bowel habits honi aavashyak hai. Khali ye nahi puchna patient se ki tumhari aise kaise hai, pehle ye ki baat aise kaise hai. अगर आज भी आ रही है तो आज पक्षी भी कल आज भी समझ नहीं कर जाएगा. यानी मल जो होना चाहिए ना तो बहुत रूक्ष होना चाहिए ना बहुत स्मूथ होना चाहिए, कुछ भी मतलब पड़ी जाए ना टाइट ना लूज. इसलिए कहते हैं सबसे अच्छी अग्नि कौन सी है, मध्यमा. ये अग्नि भी नुकसान दे और अति अग्नि भी नुकसान दे. मध्यमा अग्नि को सबसे उत्तम अग्नि बताया गया. करेक्ट है साहब. नेक्स्ट स्लाइड. अब एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पेशेंट का ब्लड यूरिन चेक करना चाहिए. पता है तो पस कल्चर चेक कराएं, टिश्यू बायोप्सी कराएं, चेस्ट एक्सरे और ब्रीदिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर पेल्विक एरिया. पूरे पेल्विक को देखना है कि और क्या क्या पैथोलॉजी साथ में चल रही है. पेशेंट एप्रिसिएशन एंड रीअश्योरेंस, पेशेंट को एप्रिशिएट करना, आराम से टोन क्लीन करके आराम आराम से बातों में लगाकर चेक करना. सडनली रहने से वेसोवेगल शॉक हो सकता है और आपके ही एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट को दोष हो सकता है. जेंटल स्प्रेडिंग ऑफ बटक्स, आराम से बिल्कुल आराम से देख, आराम से पैर बैठ आराम चेक कर सकते. एनल फिशर और पेनल डर्मेटाइटिस को चेक करना, फिशर को भी चेक करना और डर्मेटाइटिस को भी देखना. लोकेशन एंड साइज ऑफ स्किन टैग एंड लोकेशन चेक करनी है स्किन टैग की और थ्रोम्बोसिस की. लुक फॉर स्वेलिंग बट मेडिसिन तो ब्लड स्वेल हो तुम सब को डिसऑर्डर को देखिए भैया. क्वेश्चन नंबर वन, लुक फॉर स्वेलिंग बट मेडिसिन इंडिकेट फाइल्स. अगर नसें खुली हुई है इसका मतलब फाइल्स है. एक्सटर्नल फाइल्स सीन और एंड मार्क, एक्सटर्नल फाइल्स एंड मार्क को मिलता है. इंटर फाइल्स सीन ड्यूरेशन, यानी अंदर के मस्ते देखने हैं तो बिना जोर लगाए मस्ते देख सकते. लगभग पेशेंट क्या कहता है कि मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि जो उसको बाहर दिखता है वह उसी को सत्य मान लेता है. परंतु जब वो मरीज जोर लगाता है, जोर लगाने पर जब डॉक्टर देखता तो मसला फिर जाता है, क्योंकि सेकेंडरी फाइल्स आएंगे और तुरंत अंदर चले जाएंगे और एंडरल फाइल्स यूजुअली जब तक वो कोलैप्स नहीं होते हैं तब तक वो आते हैं और चले जाते हैं. और टीवी ब्लास्ट फाइल्स तीन का ग्यारह पोजिशन. असली फाइल्स कहा होते हैं 3, 7 and 11. इसके अलावा बाकी सब खटी फाइल्स. क्यों? क्योंकि जो आपकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो 3, 7, 11 में ही आती है. जो हॉस्पिटल दिखाई थी मेन 3, 7, 11. आप फर्स्ट नंबर के पैसे गरीब है काटे के सबसे प्रबंधी के पैसे इसका इलाज कर लो को बाकी तीन को ढूंढते होती है नहीं तो ठीक कभी पेशेंट नहीं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एग्जामिनेशन विद ग्लव, आपने देखा होगा मैंने कहा अच्छे से चेक करते वक्त अगर आधी जल में जली हुई जल कोई दिक्कत नहीं रगड़ नहीं जली अच्छे से लगाओ. सिंगल चेक करना है एबनॉर्मलिटी, रगड़ कट गड्ढा स्वेलिंग मां सब कुछ देखना है. अगर ऊपर टच करोगे तो प्रोस्टेट या पश्चिम जल पा, नीचे टच करोगे तो कॉकिक्स. लेफ्ट साइड दोनों लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में क्या बनता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मिलती है. ठीक है उनको तुम्हें चेक करना है कि वो अपनी जगह ऐसा अपना काम कर रही है. बी ए शो टू पैल्पेट दी प्रोस्टेट नॉर्मल. इंटर हेमोरॉइड्स आर सॉफ्ट वास्कुलर टिश्यू स्ट्रक्चर यूजुअली नॉट बेटर. उंगली से कई बार मस्ते महसूस नहीं होते. कब तक जो मैंने आपको बताया था जब तक प्रिपरेशन ना हो एंटीकोड ऑफ थ्रोम्बोसिस ना हो. जब तक खून फटके ना गिरे या खून उसमें जमा ना हो तब तक आप उंगली से पहचान दे सकते. तो एक ही तरीका है जो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लेफ्ट लैटरल पोजीशन सब किताबों में लिखा है बट ये उनके लिए अच्छा है जो पोजीशन है. सर्जन के लिए क्या है लाइन. नेक्स्ट स्लाइड. सर्जन के लिए ये तरीका है क्योंकि इस तरीके से चेक करने पर आपको एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट लोकेशन कभी पता नहीं चलता. इस पोजीशन पे आप लोकेट कर सकते हो क्लियर को तो उस
चलने को कैसे करते हैं, लिथॉटमी पोजीशन, सीधा हटा के दोनों पैर पेट फुला लो। अगर आपको पहले चेक करने हैं इकलौता सुगम सही 100% श्योर तरीका, तो ये है ये मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन वाला डॉक्टर के लिए ठीक है, वो मैंने क्यों नहीं करने के लिए। बट अगर सर्जन को चेक करना है तो सर्जन ऐसे चेक करना, कोई भी सुन कहेगा वो ऐसे नहीं लगता सर ये पैर बोल कभी नहीं करता, स्पेशली प्रोक्टोकॉलोजिस्ट को बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइम आपको सारी चीजें लेटरल लिगामेंट चेक करना है, प्रोस्टेट चेक करना है, ठीक है, पॉकेट चेक। नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम क्लियर नहीं है, ठीक है। एक सवाल है कि अगर तीन से ज्यादा फाइल्स हो, देखिए जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फाइल्स है वो 3, 7, 11 की है, इसके अलावा किसी भी पोजीशन में फाइल्स है उसको हम सेकेंडरी फाइल्स बोलते हैं। प्राइमरी फाइल 3, 7, 11 पर ही होता है, कौन सा 3, 7 और 11, ये प्राइमरी है यानी ये जड़ है, जड़ी से ही फसा फैलेगा। इसके अलावा कोई भी फाइल है वो सेकेंडरी है, आप प्राइमरी को ठीक कर दो सेकेंडरी अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट लाइन लुक फॉर इंटरलेवल्स प्रोक्टोस्कोपी में लुब्रिकेट पोर्स को इंट्रोड्यूस इन टू द प्राइमरी डिवीजन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को बता के करेंगे। ऑक्यूलेटर्स रिमूव विद इल्यूमिनेट द इनसाइडिंग एयर कैनाल विजुलाइज, एयर कैनाल को विजुलाइज करेंगे। प्रोक्टोस्कोप स्लोली विड्रॉ आराम से डालें, उस पर आराम से निकालें और अंदर से बाहर तक देखते हुए सबसे पहले आपको कॉलम ऑफ मुरादिनी दिखेगी, पिंक पिंक कलर की रेशेदार चीज दिखेगी या मसल दिखेगी, वो क्या है हमारी कॉलम ऑफ मुरादिनी। अब एक सवाल आ रहा है कि फाइल पास होने के क्या कारण है, मैं इन कारणों को भी इससे आप बताऊं। फाइल मास होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेनिंग, जोर लगाना। आज की डेट में ज्यादा फाइल्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हो तो आप ऐसे बैठते हो और आपको जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जो इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट था उसमें ऑटोमेटिकली मसल्स एब्डोमेन की मसल्स जोर लगा देगी तो पॉटी निकल जाता है। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का दवा यूज होना कॉज ऑफ फाइल्स, टीन कॉफी का दवा यूज होना इज अ कॉज ऑफ फाइल्स, वाटर इंटेक कम लेना पॉटी हार्ड जाती है कॉज ऑफ फाइल्स, आपके खाने के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर फाइबर का ना होना इज अ कॉज ऑफ फाइल्स, डाइजेशन वीक होना और उसके बावजूद भी ऐसा भोजन खाना जो पच ना रहा कॉज ऑफ फाइल्स, ठीक है। लॉन्ग ड्राइविंग करना इज ऑल्सो कॉज ऑफ फाइल्स, प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भ में होता है जिसकी वजह से जोर पड़ता है वह भी एक कारण है बवासीर के होने का। बवासीर के लक्षणों के अंदर सबसे पहला लक्षण का नाम है कब्ज़, पेट एक बारी में साफ ना होना कब्ज़ी, अब वो चाय पी के कर रहे हो तो भी कब्ज़ी है, पानी पी के कर रहे हो तो भी कब्ज़ी है, आप जाके 40 मिनट अपने आप पेट साफ हो गया तो आप समझ लें कि सब कुछ सही है, नहीं तो आपको कब्ज़ी है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर जो फाइल्स होता है इसके जो मूलभूत कारण होते हैं, जो मोटा आदमी होता है उसमें भी फाइल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बवासीर से बच सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल पानी पिए, लिंबू वाटर पिए, आपको फ्रेश होने के बाद डाइट के अंदर फाइबर इस तरह के लिए, क्योंकि इसका इलाज भी यही है, ज्यादा पानी पीना बवासीर का इलाज, ज्यादा पानी